यूपी के मशहूर दही के आलू की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको आप मट्ठे वाले आलू भी बोल सकते हैं। ये जो दही के आलू है फ्रेंड्स, ये यूपी के हर घर में बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली शहर में तो क्या, गांव-गांव में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और मट्ठे वाले आलू, दही वाले आलू, ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, शादियों में भी बनाए जाते हैं और हर घर में गर्मियों के सीज़न में तो ये बनते ही बनते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। खाने में खट्टे से होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनते भी बहुत आसान तरीके से हैं। तो कैसे आप इसको बना सकते हैं, आइए मैं सिखा देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलू आप ले लें और इसको आप छील कर रख लें। तो यहाँ पर मैं आपको 3 आलूओं से यहाँ पर दही के आलू बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसको सबसे पहले छील कर रखना है, उसके बाद में हाथों से इसको हम फोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आलूओं को इस तरह से फोड़ना है। तो अंगूठे की सहायता से छोटे या बड़े पीस कर सकते हैं। अगर आपको बड़े पीस के आलू की सब्ज़ी पसंद है तो थोड़ा सा बड़ा रखें, वरना आप इसको छोटे पीसेज में कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन ये है कि बड़े और छोटे दोनों पीसेज रखें। छोटे पीसेज से क्या होगा, थोड़ा मैश हो जाएगा तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी थिक हो जाती है। तो आलू हमने फोड़ लिए। अब यहाँ पर दही के आलू बनाने के लिए हमने दही लिया है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम के करीब दही लिया है और ये दही हमारा हल्का खट्टा होगा तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो दही को, अगर आपका फ्रिज का दही है तो उसको आप बाहर निकाल कर रख दें, लगभग 3 से 4 घंटे बाहर रख दें और उसके बाद में आप दही के आलू बनाएं। इसको मिक्सी के जार में डालें और एक बार इसको थोड़ा सा चर्न कर लें आप। तो उससे क्या होगा, जो फुटकी फुटकी सी होती है दही में, वो पूरी हट जाती हैं। तो दही को हमने इस तरह से थोड़ा सा चर्न करके रेडी कर लिया है। अब देखिए दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में आपको क्या करना है, अगर आपने तलने के बाद में कोई कढ़ाई अगर रेडी की हुई है, यानी कि चिकनी कढ़ाई में ये दही के आलू सबसे अच्छे बनते हैं। तो हमारे घरों में, किचन में क्या होता है कि अक्सर से कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो कुछ ऐसा प्लान करें आप कि जो चिकनी हो कढ़ाई, तो आपके दही के आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का तेल डाला, 2 से 3 चम्मच तेल को गर्म किया। इसके बाद में मैंने 1 चम्मच जीरा और 2 पिंच के करीब हींग डाल दी। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद में आलू जो हमने हाथों से मैश करके रखे थे वो भी डाल देंगे। अब दही वाले हम आलू बना रहे हैं तो दही हमने लिया था, पानी भी इसमें डालना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। इसमें मैंने लगभग 1/2 ग्लास पानी डाल दिया। अगर आप मट्ठे के साथ इसको बना रहे हैं, यानी कि बटर मिल्क के साथ बना रहे हैं, उस केस में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उस केस में भी अगर आपका मट्ठा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और जाड़ों के सीज़न में, विंटर सीज़न में, मट्ठा और दही दोनों ही थोड़ा ज़्यादा लगता है और गर्मियों के सीज़न में कम लगता है। तो देखिए पानी डालने के बाद में मैंने इसमें दही भी डाल दिया जो हमने मिक्सी में फेंट कर रखा था। अब इसमें हम और पानी मिलाएंगे, 1/2 ग्लास पानी मैंने इसमें और डाल दिया। तो देखिए मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप दही के आलू बना सकते हैं। एक बात आप और ध्यान रखें, दही जो होता है फ्रेंड्स बहुत जल्दी फटता है। तो अगर आप फ्रिज का दही यूज़ करेंगे और तुरंत से दही वाले आलू बनाएंगे तो ये फट सकते हैं। एक बात और हमें ध्यान रखनी होती है, बाहर रखें दही, साथ ही इसको लगातार चलाते रहें। जब आप दही इसमें डाल दें तो आपको लगातार इसको चलाना होता है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता है। तो ये कॉशन आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको लगातार इस तरह से ध्यान देना होगा आपको, लगातार चलाते रहना होगा। बीच बीच में कुछ सेकेंड के लिए चाहे तो रुक सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ना रुकें और इसको लगातार चलाते रहें जब तक कि इसमें खोला नहीं आने लगता, यानी कि ये बॉईल नहीं होने लगता। जब ये बॉईल होने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे नमक। तो फिलहाल तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्च काट कर डाली है। आप चाहें तो हरी मिर्च को तड़के में भी डाल सकते हैं, मैंने ऊपर से ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लिया और बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हम इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे ताकि दही हमारा फटे ना। तो देखिए इस तरह से इसको मिक्स करते हुए मैंने पका लिया है और इसमें बॉईल आने लगा है, आप देख सकते हैं, और ऑयल भी सेपरेट होकर ऊपर आ गया है। तो जब ये बॉयल होने लगे तब आप इसमें नमक डाल दें। 1 चम्मच मैंने नमक डाला, नमक कम लगे तो बाद में कभी भी बढ़ा सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और लगभग 10 मिनट तक मैंने इसको बॉयल किया था। और नमक डालने के बाद अगेन हम इसको 2 मिनट और बॉयल करेंगे। धनिया भी डाल देते हैं, हरा धनिया मैंने काट कर डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसा मैंने बताया 2 मिनट और इसको बॉईल करने के बाद में गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको आप तुरंत से सर्व कर सकते हैं। तो गर्मियों के सीजन के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है, दही और आलू है, तो फटाफट से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। पराठों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप। स्पेशली ये चने के पराठों के साथ, यानी कि बेसन का जो पराठा होता है या फिर मिस्सा पराठा होता है, उसके साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ में आलू का पापड़ हो या फिर दाल का पापड़ हो तो बहुत मज़ा आता है।
तो बनाकर देखें फ्रेंड्स ये यूपी वाले दही वाले आलू मट्ठे के आलू। कैसी लगी रेसिपी लिखकर जरूर बताएं और बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करें। साथ ही मेरी टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो आपके मट्ठे वाले आलू दही वाले आलू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो देखिए इस तरह से आप बनाकर देखें और बनाने के बाद में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू।